नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन स्क्रीन फिल्म और स्क्रीन फिल्म में क्या अंतर होता है नॉन स्क्रीन फिल्म का इस्तेमाल बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के किया जाता है मीन दे आर यूज विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यहाँ कार्डबोर्ड कैसेट का इस्तेमाल होता है इसके विपरीत स्क्रीन फिल्म का इस्तेमाल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ किया जाता है नॉन स्क्रीन फिल्म पर इमेज फॉर्मेशन के लिए एक्सरे फोटोन के डायरेक्ट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन स्क्रीन फिल्म पर इमेज फॉर्मेशन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से निकलने वाली विजिबल लाइट की वजह से होता है नॉन स्क्रीन फिल्म हैव थिक इमल्शन लेयर वेयर स्क्रीन फिल्म हैव थिन इमलशन लेयर नॉन स्क्रीन फिल्म को डेवलप होने में ज्यादा समय लगता है बिकॉज दे हैव थिकर इमोल्शनल लेयर लेकिन स्क्रीन फिल्म को डेवलप होने के लिए कम समय लगता है नॉन स्क्रीन फिल्म पर सुटेबल डेंसिटी पाने के लिए हायर एक्सपोजर फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से पेशेंट का एक्सपोजर डोज बढ़ जाता है बट स्क्रीन फिल्म आर यूज विथ इंटेंसीफाइंग स्क्रीन रिक्वायर लेस एक्सपोजर टू अचीव सुटेबल डेंसिटी रिजल्टिंग इन लेस एक्सपोजर डोज टू द पेशेंट नॉन स्क्रीन फिल्म हैव हायर रेजोल्यूशन बट स्क्रीन फिल्म हैव लो रेजोल्यूशन बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम इंटेंसीफाइंग स्क्रीन यहाँ स्क्रीन आर्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन स्क्रीन फिल्म पर स्क्रीन आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकते हैं इफ स्क्रीन आर नॉट क्लीन प्रोपरली और यूज विथ डैमेज स्क्रीन डीप इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन नॉन स्क्रीन फिल्म बट स्क्रीन फिल्म हैव सुपरफिशियल इमेज फॉर्मेशन नॉन स्क्रीन फिल्म आर यूज फॉर डूइंग एक्सरे इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी बट स्क्रीन फिल्म आर यूज फॉर जनरल रेडियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक कर ऑफ नॉन स्क्रीन फिल्म शोज No apparent shoulder region in the useful density range, but characteristic curve of screen films have shoulder region within useful density range.